हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। लाइफ के चेंजेस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रूटीन चेंज हो गया है और पूरा सिस्टम हिल गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या कैसे करूं, क्योंकि अभी इन्होंने कल से थोड़ा जाना शुरू कर दिया है, पर बैंडेज अभी भी है, क्योंकि स्टिचेस जब तक नहीं खुलते तब तक थोड़ा सा रहेगा। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ काफ़ी लेट। आज भी मन नहीं था व्लॉग करने का, बट काम है, करना है, और आप लोगों से बात किए बिना रहा भी नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं आ गई। फिर जो थोड़ा बहुत बन पाएगा मैं करूँगी। नाश्ता वगैरह हो चुका है तो, क्योंकि आजकल समृत जल्दी उठ जाता है तो उसको भूख लग जाती है। बट मेरा पूरा रूटीन अपसेट हो रखा है। दिया के लिए सुबह उठना पड़ता है, रात को वैसे नींद नहीं आती है, उसके बाद 12-1 बजे तक 2 बजे तक नींद खुलती नहीं है, तो सारा काम अपसेट हो जाता है। ना ब्रेकफास्ट बन पाता है, ना लंच बन पाता है। अभी बच रहे हैं 2:30 और दिया के जाने का टाइम है, तो मैं जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को पुश करके 12 बजे के करीब उठा लिया था कि नहीं, काम तो करना है। तो मैंने समृत से 1 कप चाय बनवाई थी और चाय के साथ मैंने उसको बोला था कि लोबिया उबलने में पहला। अब वो बच्चा है, उसको तो समझ है नहीं, लोबिया में लगे हुए थे कीड़े। अब उसको तो इस चीज़ की समझ थी नहीं, इतनी स्मेल आ रही है। अब ये थोड़े ठंडे होंगे तो इनको कूड़े में फेंकूंगी। मैंने उसको बोला, जब मैंने चेक किया, मैंने कहा बेटा ये ऊपर काले काले कीड़े घूम रहे थे, कुछ दिखा नहीं। फिर तड़का मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, तो मैंने उसकी जगह पे फटाफट से तड़का जो है सीधा राजमा में डाला है। तो मुझे डाउट हो रहा है राजमा गले के नहीं गले, क्योंकि दिया के जाने का टाइम हो जाएगा, नहीं गले। देखिए प्रॉपर नहीं गले हैं, पानी कम पड़ गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको वेसल करवाती हूँ। एक्चुअली कुकर भी दोनों ख़राब हो रखे हैं, तो विसल नहीं होती है, उनको फुल पे रख के बनाना पड़ता है, क्योंकि विसल के लिए अगर फुल पे करती हूँ तो पानी लीक हो जाता है। और फिर आपको याद है ना उस दिन क्या हुआ था, पानी लीक हो गया था सारा कुकर में से और गैस लीक हो गई थी। चावल मेरे रेडी हैं, चावल बन चुके हैं। रौंगी को फेंकना है और राजमा को अच्छे से गलाना है। अभी है 1 घंटा, वेदर अभी ऐवें ही चल रहा है, कभी नरम कभी गर्म। बारिश नहीं आ रही है 2 दिन से, बट नरम गर्म ही है। और घर की हालत बिगड़ रखी है, मतलब सारा मेसडअप हो रखा है, कुछ सही ढंग से सही जगह पे कुछ भी नहीं है, और सफाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा रूटीन जब से ख़राब हुआ है मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, नींद पूरी हो नहीं पाती है ढंग से, कुछ गैस सी बन जाती है नींद ना पूरी होने के कारण। ये भैया है छोटा वाला, इसका भी रूटीन सारा ख़राब हो रखा है। भुट्टे वाला आ गया, भुट्टे वाला नहीं, फिर अभी मैं नाश्ता किया। खाना कितना भी इसको डाल लो कुछ समझ नहीं आता, पूरा दिन कुछ खाएगा नहीं और फिर रात को एकदम से सब चट कर जाएगा, जितना कुछ भी पड़ा होगा सब चट कर जाएगा। अब बस मैं नहाने जा रही हूँ, आज हेड वॉश भी करना है। ये मैडम सो रही है यहाँ पे, अभी उठी थी, नाश्ता करके वापस सो रही है। ये जो सेमिया का था पैकेट, वो मेरा ऑलमोस्ट फुल हो गया है। देखिए अब इसमें और डलनी है जो बनी हुई है। ये तकरीबन 2-2.5 किलो तक मेरा हो चुका है और अभी मेरे पास सिर्फ ये इतना सा आटा बचा है, तो आज ये भी बना दूंगी मैं बस। हाँ बस नहा के आती हूँ, फिर आराम से आपसे मिलती हूँ। तब तक दिया भी उठ जाएगी तो दिया को भेज देती हूँ, और एक बार राजमा को चेक कर लेती हूँ कि राजमा बन जाए तो अच्छा ही है, कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लग रहे। चावल तो रेडी हैं, पैकिंग ही रह जाएगी, तो बस एक बार बन जाए तो तसल्ली हो जाएगी। तब तक मैं थोड़ा सा आटा गूंथ के रख रही हूँ, तो जब तक मैं नहाऊंगी धोऊंगी आटा थोड़ा सा ना इकट्ठा हो जाएगा। चलिए मैंने चलिए मैं नहाने जाती हूँ, कुकर में सिटी नहीं होगी, पहले उसको चेक कर। हो गया नहाना धोना, और जो कपड़े पहनने के लिए निकाले थे उस पर मिट्टी मिट्टी के धाग आ गए, तो वो अभी नहीं बदले हैं, तो अभी दूसरे कपड़े निकालती हूँ, नहीं तो वैसे भी 4-4.5 तो हुए हुए हैं, तो अब क्या चेंज करना। सर राजमा बन चुके हैं, देखिए वैसे टिफिन पैक कर दिया है मैंने, देखिए राजमा और ये चावल हैं, गर्म थे इसलिए स्टीम निकाल रही हूँ। अब दिया बस तैयार हो रही है, तैयार होकर वो निकलेगी, और मैंने थोड़ा सा कमरा ठीक कर दिया है। ज़्यादा तो अभी मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा क्योंकि बिजीनेस हो रखी है,
अभी भी झूले खा रही हूँ मैं। इस उम्र में आते आते, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, पर इस उम्र में आते आते ना बॉडी में कुछ भी रूटीन का ज़रा सा भी चेंज होता है ना तो वो इफेक्ट करने लग जाता है। वीकनेस अंदर ही नहीं, बॉडी पे भी फील हो रही है। टमी भी थोड़ा कम हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब इस रूटीन के हिसाब से हम दो ही टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तक तो हम सोते ही रहते हैं, तो उसके बाद उठते हैं तो सीधा लंच ही बनता है, और फिर उसके बाद दिया जाती है तो हम लोग लंच करते हैं। अपने समय को देख के आई हूँ उधर लंच, और मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, समृद्ध उठ जाता है जब, तो उसको ब्रेड बटर या ब्रेड सैंडविच कुछ भी ऐसी चीज़ लगा के दे देती हूँ। तो ब्रेड तो बढ़ते बच्चों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। अब हम लोग रात का प्रिपेयर करेंगे खाना, तो रात को बस एक एक दो दो रोटी जो खानी होती है वो खाते हैं, और उसके बाद फिर वही अगले दिन फिर वही रूटीन हो जाता है, फिर 12-1 बजे उठो, फिर वही काम पे लगो। पर मेरा जो रूटीन अब से हुआ ना, उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो पाता। अब मैं 4:30 बजे दिया जाएगी, 4:30 बजे मैं फ्री होगी, क्या मैं झाड़ू लगाऊँ, क्या पोछा लगाऊँ, क्या मशीन लगाऊँ, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, और मेरे को फिज़िकली बड़ा अनईजी सा हो रखा है इस वक्त। आज मैंने बोला है दिया को, बेटा अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मेरा रूटीन ख़राब हो जाएगा तो पूरा घर अपसेट हो जाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं अब क्या सीन होता है, दिया अपने कमरे में जाती है और रूटीन दोबारा से मैं नॉर्मल कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं सोच रही थी कि मैं 8 बजे के आसपास सो जाऊँगी रात को, तो मैंने कल बहुत कोशिश की, मैंने 7:30 बजे तक रोटी वगैरह सब बना के रखती कि जिसको जब खानी होगी खा लेंगे। सब्जी पनीर भुर्जी बनाई थी और छोटे वाले आलू बनाए थे सब्जी के लिए, क्योंकि वो पनीर भी खाता, और चपाती भी बना के रखती थी सबकी, और ख़ुद भी खाना खा लिया था। पर करीबन 2:30 बजे जाके मुझे नींद आ गया, और 4:15 बजे दिया का कॉल आ जाता है, क्योंकि रास्ते में होती है, हमने बोल रखा है जब ऑफिस से निकले तो पता ना करें, तो सब कुछ अपसेट हो रखा है, सब रूटीन में लाना पड़ेगा, सब कुछ पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें लाइन पे आएंगी। हेलो जी, अगेन खाना वाना खा लिया है, दिया जा चुकी है, टाइम हो रहा है 5:15, और मैं क्या दिखाने आई थी, एक ये काम तो मेरा चालू ही है। मिर्ची लग रही थी बहुत तेज़, राजमा में मिर्ची फट गई, हरी मिर्च डाली थी वो फट गई, तो उसकी वजह से बहुत तेज़ मिर्ची हो गई थी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि दिया उस दिन शाही टुकड़ा के कुछ पीसेस मेरे लिए छोड़ गई थी, तो मैंने कहा इसी से मुँह मीठा कर लेती हूँ, बहुत तेज़ मिर्ची लग रही है, और हरी मिर्च मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं सब्ज़ियाँ भी जो बनाती हूँ ना उसमें मोटी मोटी मिर्च डालती हूँ ताकि वो दिख जाए और मैं उसको हटा सकूँ, बच्चों को नहीं पता चलता, ये तो खुशी होकर खाते हैं, बर्दाश्त नहीं होती। अब बस राजमा बने हुए हैं, चावल भी बने हुए हैं, शाम का ऐसा कोई टेंशन है नहीं, इसलिए मैंने अच्छा खासा आटा गूंध लिया, मैं यही काम करती रहूँगी। अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और घर की सफाई वगैरह करूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, कितना भी आप घर में सफाई कर लो, एक चप्पल या जूता बाहर का आता है पूरी मिट्टी पिलीत हो जाती है, सारा दिन झाड़ू लेके खड़े रहो, और अभी ना मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है, और ना फिजिकली मैं अपने आप को फिट समझ पा रही हूँ, एक्टिव समझ पा रही हूँ कि मैं घर के कामों में इन्वॉल्व हो पाऊँ। अंदर से ना कुछ काट रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही, बस मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कई दिन हो गए ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, और अब जब से इनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से तो बिल्कुल ही मन खराब चल रहा, बट फिर भी गृहस्थी है, ज़िंदगी है तो जीनी तो है ही, काम तो करने ही पड़ेंगे। तो बस अब उठूँगी, फिर थोड़ा सा देखूँगी, घर का संभालने की हिम्मत होगी तो संभालूँगी, नहीं तो मैं तो अभी 2 दिन से मैं खुद रेस्ट मोड पे हूँ, चोट इनको लगी है पर मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ और मैं रेस्ट मोड पे चली गई हूँ। चलिए कुछ होता है, कुछ करती हूँ तो आपके पास आती हूँ दोबारा से। खाना खाने में तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मिर्ची लग रही थी, इसलिए मैंने अब चाय बना ली है। देखिए मेरा मलाई का डब्बा भरने वाला है, एक हाथ से कैसे डालूँगी, डलिया। चलिए मैं चाय बना लूँ, फिर मिलती हूँ। चाय बनने में इतना टाइम लग रहा है ना आज, या मुझ में पेशेंस नहीं है चाय पीने के, समझ नहीं आ रहा, बस कलर आ ही रहा है, पर थोड़ा और चाहिए मुझे कलर। ये अभी चाय पत्ती भी जो है वो लोकली लेनी पड़ रही है, वो जो 20-25 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना वो लेनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बताया था स्टॉक इकट्ठा ही भरती हूँ, तो मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती पैसे, मुझे यही है कि मैं एक ही बार स्टॉक लाऊँ और भरूँ, तो अभी जब तक स्टॉक नहीं आ रहा तो इनसे ही काम चला रही हूँ मैं। और हो जाता है ना कई बार ऐसा, वेदर ऐसा है, काम प्रॉपर आ नहीं रहा, सैलरियाँ सबको टाइम से मिल नहीं रही हैं, तो इसलिए काम चलाना पड़ता है कभी कभी। मैंने ना आज किसी का ब्लॉग देखा, वो उसमें कुछ बात कर रहे थे बच्चों के इन पेशेंट होने पर, उनके 3 बच्चे हैं और
होता क्या है, आजकल के बच्चों को सब इंस्टेंट चाहिए, उन्होंने मुंह से निकाला और आपको वो प्रेजेंट करना है। और हम लोग भी उसी तरह से बच्चों को पाल रहे हैं आज की डेट में, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को बिजी काम में करने के लिए हम बच्चों के हाथ में मोबाइल इंस्टेंटली दे देते हैं, उनकी फरमाइश की चीज़ें दे देते हैं। अरे कौन खिचखिच सहेगा, बच्चा इरीटेट करेगा, हमारे पास और भी 10 काम हैं जो हमें करने। तो उन चीज़ों को लेके हम लोग क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को कम्फर्ट देने के लिए हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं उनकी पसंद की। ये गलतियाँ मैंने भी की हैं कुछ हद तक, बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि नहीं, इससे बच्चों को गलत आदत पड़ रही है, मैंने अपने आप को थोड़ा रोका और कंट्रोल किया बच्चों को भी कि नहीं, ये चीज़ अभी नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि आज भी पेरेंट्स जो अभी नए पेरेंट्स बन रहे हैं उनमें इस चीज़ की वैल्यू है, वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। क्योंकि देखो बच्चा तो हर चीज़ की मांग करेगा, वो ऊपर चमकता चांद भी मांगेगा और नीचे ज़मीन पे पड़ा पत्थर भी मांगेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत किस हद तक है और उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए इस टाइम पे या नहीं। टाइम भी आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे बच्चे आज टीनेज से, मतलब मेरी बेटी तो आप समझिए कि शादी लायक हो चुकी है और जो बेटा है वो भी टीनेज में है, तो वो लोग अपने डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरे बच्चे जो हैं इम्पल्सिव नहीं है, मेरे बच्चे बहुत पेशेंटली चीज़ों के साथ चलते हैं, बहुत कंट्रोल करके चीज़ों को यूज़ करते हैं। जहाँ मुझे लगता है हाँ, खाना पीना इन सब चीज़ों के लिए मैं एक लिमिटेशन रखती हूँ, बट मैं उनको कंट्रोल नहीं करती उसके लिए। कि जीवन में आप बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकते हो, एक खाने की चीज़ के लिए आप बच्चों को मत तरसाओ। हाँ, लिमिटेशन रखो कि हाँ आपने ये 4 दिन पहले खाया, 5 दिन पहले खाया तो कंट्रोल करो, 1 हफ्ता निकलने तो फिर खा लेना। इन चीज़ों को लेके आपको करना चाहिए। और यही मैं आपको बताती हूँ, अभी के लिए मैं समृद्ध के साथ अभी भी भुगत रही हूँ, क्योंकि क्या होता था कि समृद्ध का खाने का पैटर्न कुछ ऐसा था शुरू से, बचपन से, कि उसको ना खाना खिलाने के बाद, सुलाने के बाद रात को दोबारा भूख लग जाती थी। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे कभी भी उठ के कहता था मम्मी भूख लगी है। तो मैं क्या करती थी कि ठीक है, अगर खाना बना हुआ है, दाल चावल वगैरह है, तो आप गर्म करके दे देते हो। पर कई बार नहीं होती वो चीज़, कई बार सब्जी भी नहीं बचती थी, तो मैं क्या करती थी, इजी टू गो मैगी बना देती थी, क्योंकि उसको पसंद थी मैगी शुरू से। अब वो मैगी खिलाने के चक्कर में ये हुआ है कि अब पूछना ज़रूर है कि मम्मी मैं मैगी खा लूँ, बट अब उसकी आदत में शामिल हो गई है वो, कि हर 1-2 दिन के गैप पर उसको मैगी चाहिए ही चाहिए। रात को लेट नाइट जब भी उसको भूख लगेगी तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, या तो दाल चावल है, राजमा चावल, सांभर चावल, ऐसी चीज़ हो, या फिर उसको एक ही चीज़ दिखती है, मैगी, मम्मी मैं मैगी बना लूँ। घर में मैगी सिर्फ और सिर्फ समृद्ध खाता है इतनी ज़्यादा, अदरवाइज़ दिया भी इतनी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, इससे पापा भी इतनी नहीं खाती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, बहुत रेयरली कभी ज़बान का टेस्ट चेंज करना हो तो। चलिए, शॉर्टेज हो रही है बैटरी की, इसको चार्जिंग पे लगाऊँ पहले। हाँ जी, सेवियाँ बटके और मैं रेस्ट मोड पर चली गई थी, और अभी बज रहे हैं 11 और खाना पीना अभी निपटाया है, रोटी अभी जस्ट खाई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी गुड बाय कर दूँ। ये सो चुके हैं और समृद्ध भी उधर सोने जा चुका है, वो सोएगा नहीं मुझे पता है, वो 2-3 बजे से पहले नहीं सोता। और दिया आजकल मेरे साथ सो रही है यहाँ पे, तो अभी जब सुबह आएगी दिया तो मुझे उठना पड़ेगा, और वो 1 घंटा कम से कम गप्पे मारती है आने के बाद, उसके बाद सोती है। तो चलिए, मैं ये सब संभालती हूँ और बिस्तर सही करती हूँ, सोने की तैयारी करती हूँ। ये मेरा तीसरा बच्चा आ गया है मेरे पास, ये देखिए खाना खा लिया। वे कुकु, खाना खा लिया? क्या खाया? पेडिग्री खाया, पेडिग्री। इसको कितना भी खाने को दे दो फिर भी इसको रोटी चाहिए हाथ के मेरी। ओ गुड बाय फ्रेंड्स, आज जो भी कुछ दिन भर में मैंने किया मैंने आपसे शेयर किया, 2-3 दिन जो मैं 4 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं, 3 दिन ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो ऐसे एक अधूरापन सा लग रहा था। आज थोड़ी सी एनर्जी मुझ में वापस आई है आपसे बात करने के बाद। देखती हूँ कल ब्लॉग अपलोड करूँगी या परसों करूँगी, आई डोंट नो, जैसा भी सीन रहेगा आपके सामने तो आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। गुड बाय फ्रेंड्स।